लॉकडाउन के दूसरे चरण में भी रविवार को महानगर की सभी सड़कों पर सन्नाटा पसरा रहा। इस दौरान शहर में आने वाले लोगों का पास एवं मास्क को चेक करने के बाद ही उन्हें जाने दिया गया और शहर में अनावश्यक रूप से घूम रहे लोगों को शहर के विभिन्न चौराहों पर एक एक मीटर की दूरी के घेरे में बैठाकर सजा दी गई। इस संबंध में SP ट्रैफिक आदित्य प्रकाश वर्मा ने बताया कि जो लोग शहर में अनावश्यक घूम रहे हैं उन लोगों की गाड़ियों का चालान किया जा रहा है और अगर उसके बावजूद कोई नहीं मानता तो उनके गाड़ियों को सीज किया जा रहा है। इसलिए सभी नागरिकों से अपील है कि घरों से बाहर न निकलें, लॉकडाउन का पालन करें। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए SP ट्रैफिक आदित्य प्रकाश वर्मा ने कहा, जो बहुत बढ़िया काम करता है तब उसका पेपर और फोटो होम डिलीवरी हो रही है, जाइए होम डिलीवरी करिए, भीड़ न लगाइए यहाँ। दो संजम के लिए पास बना संक्रमित के छूने से बचे, भीड़ भाड़ में जाने से बचे, साबुन की व्यवस्था नहीं है तो अपने हाथों को अच्छी तरह सैनिटाइज करिए। लॉकडाउन जारी रहेगा। चालान भी हो रहा है और लोग मान भी रहे हैं, लॉकडाउन की स्थिति को मान रहे हैं। जो आवश्यक है वही लोग निकल रहे हैं। हमारी तरफ एज इट इज जैसे पहले स्थिति थी वैसे अभी भी है, सब लोग शत प्रतिशत इसका पालन कर रहे हैं। सर, कुछ लोग अनावश्यक घूम रहे हैं आपके द्वारा क्या उनके लिए? तो उनका हम लोग चालान कर रहे हैं, जो अनावश्यक घूम रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। हमारी अपील ये है कि अनावश्यक ना घूमें, अगर कोई अनावश्यक घूमने में कोई वाहन सीज हो गया तो बड़ी मुश्किल से छूटेगा वो, प्रक्रिया है उसकी और वो प्रक्रिया कठिन है। स्पष्ट निर्देश है कि इस लॉकडाउन के पीरियड में कोई भी वाहन अगर घूमता है तो उसको सीज कर दिया जाए।